गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर हरदेव सिंह। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है, जो वेरी फर्स्ट लेक्चर था जो था इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी के ऊपर, और दूसरा लेक्चर जो था वो था हमारा एरिया, लोकेशन और स्ट्रक्चर ऑफ डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और वहीं पर हमने थर्ड लेक्चर में पढ़ा फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो फ्रेंड्स, आज मैं उन सब जितने भी हमने अभी तक लेक्चर कंप्लीट किए हुए हैं, तो उन सब के ऊपर एक क्वेश्चन सीरीज बनाई हुई है। तो आज हम उन्हीं के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो वो सॉल्व करेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स आपको कितना उसमें से अंडरस्टैंड हुआ है और हम उसमें से कितने सॉल्व कर पाते हैं। लेट अस बिगिन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट शेयर बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, इस पर इन्होंने पूछा हुआ है कि जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख की, वो कौन सी स्टेट के साथ, इंडिया की कौन सी स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है वो है पंजाब। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने कल देखा था मैप में, पंजाब जो है वो लद्दाख के बॉर्डर के साथ नहीं टच होती, तो इसलिए ये ऑप्शन इसका नहीं आएगा। इसी तरह से अगर हम दूसरी बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर, तो फ्रेंड्स जब जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन हमने एक बात यहाँ पे हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है बेसिकली, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि कौन सी स्टेट के साथ लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है उसका बॉर्डर टच करता है, शेयर करता है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वो अभी स्टेट नहीं रही है, इसलिए वो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जिसकी वजह से हम इस ऑप्शन को भी नहीं ले सकते। इसी तरह से अगर फ्रेंड्स हम थर्ड ऑप्शन इसका देखें, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, सबसे पहला ऑप्शन था हमारा पंजाब, पंजाब के साथ अगर इसकी बाउंड्री बॉर्डर नहीं शेयर हो रहा है, इट मीन्स ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो इसलिए लास्ट ऑप्शन है हमारे पास हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इसका बॉर्डर जो है इंडिया की जिस स्टेट के साथ शेयर होता है उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा हिमाचल प्रदेश। उसी तरह से फ्रेंड, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे हमने वेरी सेकंड लेक्चर में पढ़ा हुआ था, अगर फ्रेंड आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, या कहीं पे भी आपको लगता है कि अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, तो कृपा करके जो मेरी पहले की वीडियोज़ हैं लेक्चर 1, 2, 3, तो उनको आप कंसल्ट कीजिए। उसमें मैंने अच्छे से इन डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है, एरिया जो है, उनके ऊपर मैंने अच्छे से लेक्चर दिया हुआ है और सारी की सारी फिगर्स उसमें अच्छे से बताई हुई हैं, तो आप उनको कंसल्ट कर सकते हो। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो जब हम लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स एरिया, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर किश्तवाड़ की, तो फ्रेंड्स अगर हम किश्तवाड़ का एरिया देखें, तो किश्तवाड़ का टोटल एरिया 1644 स्क्वायर किलोमीटर है। तो उसी तरह से फ्रेंड अगर हम जम्मू का एरिया देखें, तो जम्मू का टोटल एरिया जो है 2342 स्क्वायर किलोमीटर है। उसी तरह से अगर हम अनंतनाग का एरिया देखें, तो अनंतनाग का एरिया 3474 है, और जम्मू का एरिया मैंने आपको बताया था 2342। तो फ्रेंड्स इसी तरह से अगर हम डोडा का कुल क्षेत्रफल देखें, तो इसका 8912 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इट मीन्स इसमें से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट का है। तो राइट आंसर जो है वो हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट होगा, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। उसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे एक और बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर हम लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं सिर्फ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे तो डोडा का नाम आएगा, लेकिन अगर सपोज करो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पे लेह और कारगिल का ऑप्शन होता है, तो आपको पता है कि सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है वो लेह है इन रिस्पेक्ट टू इट्स एरिया, और कारगिल दूसरे नंबर पे है, लेकिन वो अभी यूनियन टेरिटरी अलग बना दी गई है, इसलिए उसका मैंने इसमें इन्वॉल्व नहीं किया। लेकिन अगर इनकेस क्वेश्चन आता है तो आप उन्हीं में से चूज़ करोगे। तो फ्रेंड वेरी नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन जो है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी हैज़ हाईएस्ट सेक्स रेशो।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्स रेशो होता क्या है। बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स के पीछे कितनी फीमेल्स हैं तो उसी को सेक्स रेशो कहा जाता है। अगर फ्रेंड्स हम सांबा की बात करते हैं तो सांबा का जो सेक्स रेशो है वो है 8:8:8:6। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम रजौरी की बात करते हैं तो 8:6:0 है रजौरी का। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कुलगाम की तो 9:51 कुलगाम का सेक्स रेशो है। और शोपियाँ की हम बात करें तो शोपियाँ का भी 9:51 है। लेकिन अगर हम इन ऑप्शंस में देखें तो हमें कौन सा राइट चूज़ करना होगा, डी पार्ट है कुलगाम एंड शोपियाँ, क्योंकि कुलगाम का भी 9:51 फीमेल्स पर 1000 मेल्स हैं और शोपियाँ का भी उतना ही है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ लोएस्ट पॉपुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी। तो सबसे पहली डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है किश्तवाड़। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं कि किश्तवाड़ की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। फ्रेंड्स ये हमने वेरी सेकंड लेक्चर में पढ़ा था जो डेमोग्राफी स्ट्रक्चर था हमारा जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कितनी कितनी है। सबसे पहले अगर हम किश्तवाड़ की बात करते हैं तो किश्तवाड़ की टोटल पॉपुलेशन जो है वो है फ्रेंड्स 230696। उसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम लेह की बात करते हैं तो लेह की टोटल पॉपुलेशन है 133487। और उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कारगिल की, इसकी टोटल पॉपुलेशन है 140802। और लास्ट वन इज़ गांदरबल जिसकी टोटल पॉपुलेशन है 297446। तो सबसे लोएस्ट अगर हम पॉपुलेशन की यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का नाम बोला हुआ है हमें, तो यहाँ पे लेह और कारगिल नहीं आएगा क्योंकि लेह और कारगिल जो है वो लद्दाख का पार्ट है। इसलिए अगर हम जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की है। इन ऑप्शंस में से ऐसे भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की ही सबसे कम पॉपुलेशन है। किश्तवाड़ की टोटल पॉपुलेशन जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया 230696 ये टोटल पॉपुलेशन है किश्तवाड़ की। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा होगा किश्तवाड़। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं डेंसिटी की, मैंने जैसे उस लेक्चर में भी आपको बताया था कि डेंसिटी होती क्या है, बेसिकली पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वेयर किलोमीटर में जितने पीपल रिसाइड करते हैं उसको उस रीजन की डेंसिटी कहा जाता है। तो हमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इस क्वेश्चन में वो हैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट, राजौरी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू डिस्ट्रिक्ट और डोडा डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट की। तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जो टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 285% पर स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं पे अगर हम राजौरी की बात करते हैं तो 244 है। वहीं पे अगर हम जम्मू की बात करते हैं 653 है। और वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम डोडा की बात करते हैं तो 46 है। और हमारा क्वेश्चन जो है वही पूछा है हमें कि लोएस्ट डेंसिटी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा डोडा डिस्ट्रिक्ट। वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम डोडा की बात करें तो डोडा जो है यहाँ पे पॉपुलेशन कम है और एरिया जो है सब ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेंसिटी जो है वो बहुत कम है। स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की, बहुत दूर दूर घर हैं लोगों के, अनइवन टेरेन है, टोपोग्राफी इतनी ज़्यादा कंजीनियल नहीं है, एटमॉस्फेयर इतना अच्छा नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे रिसाइड कर सकें, इसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो कम है। उसी पर नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो उसमें आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ लोएस्ट सेक्स रेशो इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें हमें पूछा हुआ है कि सेक्स रेशो सबसे कम कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे पहले अगर हम अनंतनाग की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अनंतनाग की अगर हम बात करें तो अनंतनाग की सेक्स रेशो है 927
एज़ पर द सेंसस 2011। हम फ्रेंड जितनी फिगर्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं वो 2011 सेंसस की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेंसस जो है वो आफ्टर 10 ईयर के बाद कंडक्ट होता है और नेक्स्ट सेंसस 2020 में आएगा, तो इसलिए जो 2011 सेंसस की रीडिंग्स होंगी वही फाइनल होंगी। उसके बाद अगर हम बडगाम की बात करें तो बडगाम का है 894। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें सांबा डिस्ट्रिक्ट की तो सांबा डिस्ट्रिक्ट की है 886, और कुपवाड़ा की बात करें तो 835। तो फ्रेंड्स सबसे लो, सबसे कम सेक्स रेशियो जो है वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका राइट आंसर जो है वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा। इस तरह से फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज़। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की वो कितनी है एज़ पर द सेंसस 2011। यहाँ पे पूछा नहीं है लेकिन कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से हमें आएगा तो हमें अंडरस्टूड होगा कि वो रिसेंट सेंसस से होगा, 2011 से ही होगा। अगर ऊपर मेंशन किया होगा पर्टिकुलरली तब भी आपको पता चल जाएगा। तो पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की देखें, अगर सबसे पहले फ्रेंड्स अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं 56, बहुत सारी बुक्स फ्रेंड्स ऐसी भी हैं मार्केट में आई हुई हैं जो कि जनरल स्टडी के नाम पे पब्लिश की गई हैं, मैंने खुद परचेज़ की हुई है एक दो, जिसमें टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की 56 बताया गया है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये टोटली रॉन्ग है, 56 जो है वो नहीं है। उसी तरह से अगर फ्रेंड्स सेकेंड ऑप्शन की बात करें 78, तो ये भी टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी जम्मू एंड कश्मीर की नहीं है। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं 382, तो 382 जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है बट नॉट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, ये किसकी है, इंडिया की है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है फ्रेंड्स, 382, और इंडिया की अगर 2001 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, 325। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम जम्मू एंड कश्मीर, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, जब ये तीनों ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग आ रहे हैं तो फोर्थ वन जो है 124, इट मीन्स राइट आंसर हमारे पास क्या है 124। टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की कितनी है 124 एज पर सेंसस 2011। और अगर हम बात करें 2001 की तो कहीं पे 99 भी है और 100 बेसिकली पॉपुलेशन डेंसिटी जो थी वो जे एंड के की थी एज पर 2001, और 2011 के अकॉर्डिंग जो एट प्रेजेंट में है वो 124 है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पेस इज नोन एज द बैकबोन ऑफ हाई एशिया। जैसे फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं वो कौन सी रेंज को बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा, क्योंकि कल जो हमारा इससे पहले का जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर 3 फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें मैंने ये सारी रेंजेस डिस्कस की हुई थी। तो सबसे पहले रेंज की बात करते हैं हिंदू कुश रेंज। तो फ्रेंड्स हिंदू कुश रेंज जो है वो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में बेसिकली एक पामीर नाड प्लेट्यू है, पामीर नाड से जितनी भी रेंजेस जो है मेन रेंजेस जो हैं वो डाइवर्ज होती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो ये हिंदू कुश रेंज है। लेकिन हिंदू कुश रेंज को बैकबोन ऑफ हाई एशिया नहीं कहा जाता है। उसके बाद अगर हम पीर पंजाल रेंज की बात करें तो पीर पंजाल रेंज जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही है, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि पीर पंजाल जो रेंज जो है वो जे एंड के में है, तो इसको भी बैकबोन ऑफ हाई एशिया नहीं कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये दोनों ऑप्शन राइट नहीं है। इसके बाद अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें जंस्कार रेंज, तो ये लद्दाख रीजन में है, इसको भी बैकबोन ऑफ हाई एशिया नहीं कहा जाता है। और फ्रेंड्स उसके बाद अगर हम बात करें काराकोरम रेंज की, तो ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसी को बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। फ्रेंड्स काराकोरम रेंज की अगर हम बात करें तो पामीर नाड प्लेट्यू से ही काराकोरम रेंज जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड करती है। तो अगर हम पामीर नाड की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि काराकोरम रेंज को भी रूफ ऑफ द वर्ल्ड का नाम दिया जाता है इन सम बुक्स में, इसको ऐसा कहा गया, लेकिन रियल में रूफ ऑफ द वर्ल्ड काराकोरम रेंज नहीं है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है वो पामीर नाड को कहा जाता है, पामीर नाड। तो फ्रेंड्स आपको ये ऑप्शन भी आ सकता है कहीं पे भी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि पामीर नाड
को ही रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो डून वैलीज लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फ्रेंड्स अगर हम डून वैलीज की बात करें तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि डून बेसिकली वैलीज होती क्या हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं और किस कैसे बनी हुई हैं, जो बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ, कोलिजन मतलब दो डिफरेंट प्लेट्स के आपस में कन्वर्ज होने की वजह से लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जो हैं वो बनती हैं। तो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, यहाँ पर मैंने आपको बताया था जैसे कोटली डून है, सुंदरबनी है, उधमपुर है, ये मेन यहाँ की लॉन्गिट्यूडनल डूनस हैं। और फ्रेंड्स अगर यहीं की बात करें तो मैंने आपको बताया भी था कि जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि कौन सी रेंज में लाइज करती हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालया। फ्रेंड्स कल भी हमने डिस्कस किया था कि पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालया की बात करें तो पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालया के बीच में एक एरिया आता था, बहुत ही बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जाता है वो है कश्मीर वैली, कश्मीर वैली ये पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालया के बीच का पार्ट है। तो फ्रेंड्स कई बार वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको पूछा होता है कि कश्मीर वैली लाइज बिटवीन, और ऑप्शन में राइट ऑप्शन होता है पीर पंजाल एंड हिमादरी। तो फ्रेंड्स अगर हिमादरी कहीं पे भी बोला हुआ है तो आपने घबराना नहीं है, आपको पता होना चाहिए ग्रेटर हिमालय को ही हिमादरी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि डून वैलीज यहाँ पर लाई नहीं करती हैं, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है यहाँ पर। उसी तरह से अगर आप आउटर प्लेन और शिवालिक्स की बात करते हैं तो फ्रेंड्स कल हमने डिस्कस किया था कि आउटर प्लेन जो है वो बेसिकली जब आउटर प्लेन्स के बाद शिवालिक्स आती हैं, और शिवालिक्स के बाद वाला जो एरिया जो आता है वो है डून वैलीज का आता है, जिसका ऑन एन एवरेज एलिवेशन जो है वो 300 मीटर होता है फ्रॉम सी लेवल से, और मैक्सिमम जितनी भी पॉपुलेशन जो है इन एरियाज़ की सबसे ज़्यादा इन लॉन्गिट्यूडनल वैलीज में ही रिसाइड करती है। और अगर हम बात करें इस मीन से ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। और उसके बाद अगर हम शिवालिक्स एंड लेसर हिमालयास की बात करें तो फ्रेंड्स हमने कल भी डिस्कस किया था कि शिवालिक्स और लेसर हिमालयास के बीच में ही ये वैली डून वैली जो है वो पाई जाती हैं, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो यही है, लेसर हिमालयास एंड कश्मीर वैली इसमें ये नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सियाचिन इज़ द हाईएस्ट, क्या है सियाचिन, सियाचिन का कभी आपने नाम सुना होगा, हमने लास्ट इससे पहले जो लेक्चर था मेरा फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि सियाचिन बेसिकली क्या है। सियाचिन मैंने आपको पहले बताया था कि सियाचिन एक ग्लेशियर भी है और इसको थर्ड पोल भी कहा जाता है क्योंकि पोलर रीजन में सबसे ज़्यादा स्नो होती है, तो उसके बाद यहाँ पे है, तो इसको कहा जाता है कि आउटसाइड पोलर रीजन के बाद सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ही है। लेकिन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको एक बात और डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि अब जो है एक और ग्लेशियर है जिसका नाम आ रहा है न्यूज़ में, फेडचंको, ये ताजिकिस्तान में है। तो कहा जाता है कि ये जो है सियाचिन के लगभग बराबर ही है या उससे बड़ा है, और सियाचिन जो है वो दूसरे नंबर पे है। लेकिन फ्रेंड्स अभी इसका कंफर्म नहीं हुआ है, तो मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं अभी वहाँ पे सियाचिन ही आउटसाइड द पोलर रीजन सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है, जो कि कराकोरम रेंज पे है। कराकोरम रेंज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, और कराकोरम रेंज की फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे इससे पहले, वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की जितनी भी जो हाईएस्ट पीक्स जो हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स जो हैं वो कराकोरम रेंज पे हैं, जैसे K2, गाडविन एस्टीन, इंडिया की हाईएस्ट तो वहीं पे है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो प्लेग्राउंड तो ये बिल्कुल नहीं है, इट मीन्स ये ऑप्शन रॉन्ग है। अगर हम प्लेट्यू की बात करें, सबसे पहले प्लेट्यू होता क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको ये बात भी डिस्कस कर दूँ, प्लेट्यू होता है एनी एलिवेटेड एरिया हैविंग फ्लैट सरफेस विद एट लीस्ट फ्रॉम वन साइड स्टीप स्लोप्स, उसको हम प्लेट्यू कहते हैं। इट्स टेबल फ्लैट टाइप लैंडफॉर्म्स लाइक इस तरह से फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टीप स्लोप है, जहाँ पे जेंटल एज स्टीप है लेकिन फ्लैट टॉप टाइप का, और इसी फीचर्स को जो है वो प्लेट्यू कहा जाता है। तो वही फ्रेंड्स, लेकिन ये प्लेट्यू भी नहीं है। तो अगर हम माउंटेन की बात करें तो सियाचिन जो है ये माउंटेन नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें बैटल फील्ड और बैटल ग्राउंड की, तो यस इट्स वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड, दुनिया का सबसे ऊंचाई में बैटल फील्ड जो है वो सियाचिन ग्लेशियर ही है। तो राइट ऑप्शन इसका है बैटल फील्ड और बैटल
ग्राउंड। वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। स्कार्सिटी ऑफ वाटर जो है, स्कार्सिटी हो गया पॉसिटी, डर्थ कमी, पानी की कमी होना, कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा है इनमें से? अगर रामबन की बात करें तो रामबन जो है, रामबन में भी ऑप्शन की बात करते हैं, सबसे पहला रामबन ऑप्शन है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है आर एस पुरा का, तीसरा पीर पंजाल का है, और पीर पंजाल जो है इट्स सोर्स ऑफ माइटी रिवर्स। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर एस पुरा की, तो आर एस पुरा में काफ़ी ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्टिविटी की जाती है, इरीगेशन की काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, इसलिए ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। और रामबन की बात करें तो रामबन में भी इस रामबन और लास्ट ऑप्शन में से कोई एक राइट है, तो हमने रामबन, और अगर हम कंडी बेल्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो फ्रेंड्स यस इट्स कंडी बेल्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम बेल्ट कंडी बेल्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, कंडी एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, तो ये वो वाले एरियाज होते हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होती है, अगर होती भी है तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, और थ्रू आउट द ईयर जो है वो ड्राई स्पेल्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, यहाँ की सॉइल भी इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती है, जिसकी वजह से अगर हम जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करें, चाहे जम्मू एंड कश्मीर एज अ होल स्टेट की बात करें, तो इन रीजन में बेसिकली एग्रीकल्चर जो है वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। लोग करते हैं एग्रीकल्चर बट सब्सिस्टेंस लेवल पे करते हैं, जस्ट फॉर देयर ओन कंजप्शन, नॉट फॉर कमर्शियल पर्पसेस, क्योंकि इतनी ज़्यादा आउटपुट जो है वो इन रीजन में नहीं होती है बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और यहाँ पे जो लोग जो हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि कंडी एरियाज़ की एक सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो टोटली डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है फ्रेंड्स, रेन के ऊपर डिपेंड करती है। और रेन का नेचर कैसा है इस टाइम पे, इरेटिक नेचर है, कोई पता नहीं है कब आएगी कब जाएगी, जैसे आप भी फ्रेंड्स रिसेंटली भी देख रहे हो, लास्ट एक दो साल से बारिश जो है, रेन जो है उसका कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं है। पहले होता था कि हाँ एग्जैक्ट इन पर्टिकुलर टाइम्स में रेन होती है, लेकिन अब कभी भी रेन हो सकती है कभी भी नहीं हो सकती है, तो इसकी वजह से इस एरियाज में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है अगर हम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो फ्रेंड्स इससे नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस ऑफ 2011। तो अगर हम इन सभी डिस्ट्रिक्ट की बात करें फ्रेंड्स जो हमें यहाँ पे ऑप्शन में दी गई हैं, तो इनमें सबसे कम लिटरेसी जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन जो है, यहाँ पे ऑप्शन हैं हमारे पास, सबसे पहला ऑप्शन की बात करते हैं अगर डोडा, तो डोडा की फ्रेंड्स 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट है 64.68। उसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं किश्तवाड़, तो किश्तवाड़ का टोटल लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 56.20 है। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसका है 66.74। और इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम रामबन की डिस्ट्रिक्ट की बात करें एज पर द सेंसस ऑफ 2011, इसका टोटल लिटरेसी रेट जो है वो है 54.27। तो फ्रेंड्स यहां से क्लियर हो जाता है कि सबसे कम लिटरेसी रेट जो है इन चारों डिस्ट्रिक्ट में से, इन चारों डिस्ट्रिक्ट में से एज पर द सेंसस 2011 जो है वो रामबन का है, तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो रामबन आएगा। तो फ्रेंड्स यहीं पर अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट लिटरेसी इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वो भी बेसिकली कहाँ पे है, जम्मू में है हाईएस्ट लिटरेसी। हाईएस्ट लिटरेसी जम्मू की कितनी है, 83.45%। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, यहाँ पे कोई कुछ मेंशन इन्होंने नहीं किया है, ना ही इन्होंने यूनियन टेरिटरी का नाम बोला हुआ है, ना इन्होंने स्टेट का नाम बोला हुआ है, ना इन्होंने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स बोला हुआ है। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस में अगर इस तरह से अगर हमें कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाता है तो हमने सिर्फ उन ऑप्शंस को देखना है। अगर उन ऑप्शंस में अगर सपोज करो हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट अगर ले की भी होती और ले की लिटरेसी रेट अगर कम होता तो हमारा ऑप्शन वो ही राइट होना था, क्योंकि ऊपर इन्होंने कहीं पर भी ये मैंशन नहीं किया है कि पर्टिकुलर इस एरिया में से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है, सबसे कम लिटरेसी जो है वो जे एंड के अंदर, वो कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रामबन में। और वहीं पे फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो कहाँ पे है, जम्मू में। जम्मू में हाईएस्ट लिटरेसी होने का एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जम्मू जो है एक मेन हब है, यहाँ पे प्लेस ऑफ अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव प्लेस है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, क्योंकि ये
विंटर कैपिटल रीजन भी है, जिसकी वजह से यहाँ पे सब जितने भी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेन डिपार्टमेंट्स जो हैं सेक्ट्रेट के, यहीं पे हैं, जिसकी और एजुकेशन फैसिलिटी यहाँ पे अच्छी हैं। लोग बाहर से, बाकी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माइग्रेट होते हैं, और सभी का एक पर्पस होता है फॉर सेक ऑफ एजुकेशन। और मेन सेक्टर यहाँ पे जो है वो सेकेंडरी सोर्स है इनकम का, तो जिसकी वजह से यहाँ पे एजुकेशन अगर हम देखें बाकी रीजन से काफ़ी ज़्यादा हाई परसेंटेज पे है। तो वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सबसे कम पॉपुलेशन कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें पॉपुलेशन की, तो अगर हम डोडा की बात करते हैं, तो डोडा की टोटल पॉपुलेशन है 409936। वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम जम्मू की बात करें, तो जम्मू की टोटल पॉपुलेशन है 1529958। तो वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम लेह की बात करें, तो लेह की टोटल पॉपुलेशन जो है वो है 133487। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी ये बात बता दी कि यहाँ पे इन्होंने किसी स्टेट का नाम मेंशन नहीं किया हुआ है, ना ही यहाँ पे इन्होंने किसी यूनियन टेरिटरी का नाम मेंशन किया हुआ है। तो इट मींस आपने इन चारों डिस्ट्रिक्ट को देखना है, इन चारों डिस्ट्रिक्ट में जिसकी कम पॉपुलेशन होगी वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। और अगर फ्रेंड्स किश्तवाड़ की बात करें, तो किश्तवाड़ का है 230696। तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में से अगर आप देखें, तो सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो ले डिस्ट्रिक्ट की है, 1,33,487। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूँ कि सपोज अगर यहाँ पे ऑप्शन आपका होता विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन आपका किश्तवाड़ होता, क्योंकि अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो उसमें सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की है। तो फ्रेंड्स ये फिगर्स आपने याद रखना है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं पूछा हुआ है। लेह की आपको पता है सबसे कम है, उससे दूसरे नंबर पे जो है वो कारगिल आता है। एरिया में देखा जाए तो लेह सबसे बड़ा है। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू रीजन लाइज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। सबसे फ्रेंड्स अगर हम बात करें जो आउटर प्लेन्स हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर रीजन के, हमने कल लास्ट वाले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले जो हमारी फिजियोग्राफी डिवीज़न आई थी वो आउटर प्लेन्स के बारे में ही आया था। मैंने आपको पहले बताया था कि आउटर प्लेन्स के बारे में अगर हम बात करें फ्रेंड्स ये कैसे बनता है। मैंने आपको पहले बताया था कि आउटर प्लेन्स जो हैं हाईली फर्टाइल रीजन है बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। आउटर प्लेन्स थोड़ा सा ही पार्ट है, इसमें दो तीन डिस्ट्रिक्ट्स ही आती हैं। आउटर प्लेन्स बेसिकली ये जितने डिपोजिशन से बना हुआ है, रिवर द्वारा जो भी मटेरियल डिपॉजिट किया जाता है लोअर रीजन्स में, उनसे जो प्लेन्स बने हुए हैं उनको आउटर प्लेन कहा जाता है जम्मू रीजन के अंदर। वो बहुत ही फर्टाइल हैं, क्योंकि जितने भी जो इरोडिंग मटेरियल रिवर्स लाती है अपने, उसमें मिनरल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, मिनरल कंटेंट, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल साइल होती है। और इसमें अगर हम इरीगेशन प्रोवाइड करें, हाई यील्डिंग वैराइटीज़ ऑफ सीड्स प्रोवाइड करें, अच्छे से इसमें फर्टिलाइजर वगैरह का यूज़ करें, तो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोडक्टिविटी होती है। जैसे आर एस पुरा की बात करें, वो भी इसी का एक पार्ट है। तो आर एस पुरा में हाई कमर्शियल लेवल पे जो है वो कल्टीवेशन की जाती है क्रॉप्स की इन सभी रीजन में, आउटर प्लेन्स के जम्मू एरियाज में, क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन भी अच्छे से अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स यहीं पे अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आता है सांबा। तो यस फ्रेंड्स, सांबा में भी अगर आप देखें तो आउटर प्लेन वाला रीजन जो है हमारा सांबा डिस्ट्रिक्ट में भी है। और उसके बाद अगर कठुआ की बात करें तो उसमें भी है, और अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी है। तो फ्रेंड्स कुल मिला के हम ये कहें कि ये तीनों डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया जो है वो आउटर प्लेन्स में आता है। तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि तीनों ही ठीक हैं। तो ऑप्शन इसका डी पार्ट होगा। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द टोटल लिटरेसी रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फ्रेंड्स अगर हम बात करें टोटल लिटरेसी रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें, सबसे पहले इन्होंने जो हमें फिगर्स दी हुई हैं, सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 78.26। तो फ्रेंड्स ये जम्मू एंड कश्मीर का लिटरेसी रेट नहीं है। यस, बट 78.26 जो है ये लिटरेसी रेट है। किसका है ये लिटरेसी रेट जो है वो मेल लिटरेसी रेट है जम्मू एंड कश्मीर का, मेल लिटरेसी रेट एज़ पर द सेंसस 2000
11। वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की 68.74, तो यस फ्रेंड्स यही राइट ऑप्शन राइट आंसर है। जम्मू एंड कश्मीर का जो लिटरेसी रेट है एज़ पर द सेंसस 2011 वो 68.74 है। तो फ्रेंड्स अगर हम 2011 सेंसस की बात करें तो मेल लिटरेसी जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वो है 78.26 और फीमेल लिटरेसी जो है वो है 58.01। और वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें इंडिया का लिटरेसी रेट जो है 2011 में कितना है टोटल, वो है 74.04। ये इंडिया का लिटरेसी रेट है। और वहीं पे अगर हम इंडिया की मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी की बात करें तो मेल लिटरेसी जो है इंडिया की 82.14 है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, और अगर फीमेल लिटरेसी की बात करें तो वो है 65.46। तो वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम हाईएस्ट लिटरेसी की बात करें, हाईएस्ट लिटरेसी इंडिया में कौन सी स्टेट में है, तो फ्रेंड्स उसका राइट आंसर है केरला। केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। और उसी तरह से अगर फ्रेंड्स हम कहें कि सबसे लोएस्ट लिटरेसी स्टेट कौन सी है, तो वो बिहार है। सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार है। बिहार का लिटरेसी रेट जो है लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार है। और अगर हम दोनों में देखें, बिहार का लिटरेसी रेट बेसिकली 63.82 है, और अगर हम देखें मेल लिटरेसी यहाँ पे 73.39 है, और फीमेल लिटरेसी जो है वो बेसिकली हमारे पास कितना है यहाँ पे बिहार में 53.33। और वही फ्रेंड अगर हम बात करें कि फीमेल लिटरेसी सबसे कम कहाँ पे है, तो वो राजस्थान में है 52.66। राजस्थान में फीमेल लिटरेसी सबसे कम है। तो फ्रेंड्स इसमें इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। जैसे कि अगर जे एंड के की बात करें, टोटल लिटरेसी रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 68.74 है। वहीं पे अगर मेल लिटरेसी की बात करें 78.26 है, फीमेल 58.01 है, और इंडिया की लिटरेसी की बात करें 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग वो 74.04 है। और वहीं पे अगर हम हाईएस्ट लिटरेसी की बात करें इंडिया में कौन सी स्टेट में है, वो केरला है, और लोएस्ट जो है वो बिहार है। लेकिन अगर फीमेल लिटरेसी की बात करें लोएस्ट तो वो सबसे ज़्यादा कम जो है वो राजस्थान में है। तो फ्रेंड्स आज के हमारे क्वेश्चन इतने ही थे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम एक दो टॉपिक, जैसे ही हमारा एक दो लेक्चर कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम इसी तरह से टेस्ट सीरीज निकाला करेंगे, ताकि आप लोगों की जो है प्रिपरेशन साथ साथ चलती रहे। आप भी कोशिश कीजिए कि साथ साथ नोट मेकिंग कीजिए। अगर आपको कहीं पे भी डिफ़िकल्टी आती है तो हम लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अपने सुझाव जो है हमारी कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलिए। तो फ्रेंड थैंक यू।